उन्हें यहाँ की एक दीवार के पत्थर पर सिर पटक कर उसे मार दिया कि वो जो पत्थर है ना उससे खून निकलता है सिर्फ दिवाली के दिन, बाकी साल के बाकी दिनों में कभी भी नहीं। और तुमने देखा सच में अपने आंखों से? और दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं सबलगढ़ में और हम एक ऐसा किला देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ तक हमें कोई ऑटो वाला भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए अभी हम पैदल निकल गए हैं लोगों को पूछते पूछते। हम सुबह निकले थे मुरैना से जहाँ पर हम रुके हैं। मुरैना से 70 किलोमीटर दूर है सबलगढ़ और यहीं पे एक किला है जिसे सबलगढ़ किला कहा जाता है। ये जो किला है ये बाकी सारे किलों से अलग है क्योंकि इस किले से जुड़ी कई सारी स्टोरीज है, मिस्टीरियस स्टोरीज, खजाने की स्टोरीज जैसे बहुत सारे किलों के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन इसी के साथ इस किले के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी है, एक पत्थर की कहानी। वो पत्थर हम खास कर देखने जा रहे हैं, तो अभी वो है क्या मैं आपको किले में पहुँचने के बाद बताऊँगा। और इस तरह से अभी 2 किलोमीटर करीब चलने के बाद हम पहुंच गए हैं किले के पास। और ये किला गांव से मतलब थोड़ा नज़दीकी है लेकिन इधर कोई नहीं आता, ज़्यादातर लोग इधर नहीं भटकते क्योंकि इस किले के साथ कहानियाँ ही कुछ ऐसी जुड़ी है। काफ़ी बड़ा ऐसा किला है ये, वैसे हर एक महल में जाकर किले का हर एक कोना हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस किले से जुड़ा जो रहस्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए दोस्तों। और जैसे कि रायसेन के किले में हुआ था, मैं और मनाली हम दोनों ही थे, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर जाने वाले हम पहले ही हैं। अरे भाई गेट क्यों बंद कर रहा है? सन्नाटा, वो जो ऐसा होता है ना पुराना किला, पुराना खंडहर, ऐसा किला जो लोगों की बलि मांगता है, ये किला बस उसी टाइप का लग रहा है। कोई नहीं हम दोनों के सिवा, ये अच्छी बात भी है और थोड़ी डरावनी बात भी है। ये शुरू कहाँ से करें? बहुत रास्ते हैं, बहुत सारे महल, पूरा सन्नाटा हम ही दोनों हैं सिर्फ यहाँ पर। गंद बहुत मचा रखे लोगों ने यहाँ पे। यहाँ पे भी गार्ड नहीं दिखाई दिया हमें अभी तक, है ना? यहाँ पे कोई भी नहीं है, गार्ड भी नहीं है। यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा। वाओ, उस समय की बालकनी जहाँ से पूरे सिटी का व्यू दिखता होगा। ओहो, और देखिए यहाँ से इस तालाब का पूरा व्यू दिखाई देता है इस बालकनी से। और अभी ये जो अब इसमें अक्षय का पैर गिरते गिरते बच गया है। ऐसी जगह पर ना ऐसी बातों पर का ध्यान रखना पड़ता है बहुत, मतलब कोई चांस ही नहीं। सीधा नीचे ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत खराब हालत में है। और वो तो दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ पर जो रख रखाव होना चाहिए ऐसी 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 जगहों का वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता। और इस किले को बनाने में ना राजस्थानी शैली का बहुत इस्तेमाल हुआ है और लोगों ने बहुत गंदगी की यहाँ पर, बहुत ही बहुत। नहीं मजाक कर रहे हैं दोस्तों, नहीं नहीं मुझे सच में लगा ऐसे कोई, शायद कोई मतलब पंछी वगैरह, पंछी पंछी होगा, बैट होगा, क्योंकि किले के बारे में इतनी कहानी हमने सुनी है तो मतलब कुछ भी थोड़ी सी हलचल होगी तो घबराहट। वो है थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा मतलब लगता है। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, मैंने इसके पहले भी आपको कई सारे मतलब दिखाए हैं जगह इसी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए। और उन्हीं धरोहरों में से एक ये किला है। और इस किले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि 400 सालों तक इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया था। ये देखिए, ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ से आपको बच के ऊपर जाना होता है। और अभी हम ऊपर उसी हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पे अक्षय को कोई दिखा था, मतलब अक्षय को ऐसा महसूस हुआ था कि वहाँ पे कोई ऐसा है। और ये थोड़ा यहाँ से भी व्यू दिख रहा है लेक का।
और जो हमें उधर से दिखाई दिया ना, मतलब अक्षय को सरगा या पे कोई है, तो यहाँ पे एक दरगाह बनाया है। दरगाह तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मुस्लिम लोगों का कुछ मतलब पूजा पाठ करने की जगह यहाँ पे उन्होंने बनाई है। वो किले की दीवार देखिए आप, 2 किलोमीटर लंबी दीवार है ये, और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये सिर्फ एक पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा पूरा है राउंड, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किला कितना बड़ा होगा। अभी भी इस वक्त भी ये किला बहुत बड़ा है, लेकिन जब ये अपने चरम पर रहा होगा तो ये कितना विशाल होगा। तो चलिए अभी यहाँ से हम नीचे उतरते हैं। और अभी हम जब ऊपर गए थे ना यहाँ पर, तो हमें उधर पेंटिंग दिखाई दी, तो अभी वो पेंटिंग देखने के लिए हम फिर से जा रहे हैं उधर। और इस किले का निर्माण जो है 16वीं शताब्दी में हुआ था। सबल सिंह गुर्जर जी ने इस किले को बनवाया था, लेकिन जब इस किले का काम शुरू था तब उन बीच में उनकी मौत हो गई और इस किले का काम अधूरा रहा था। तो बाद में 17वीं शताब्दी में गोपाल सिंह नाम के जो राजा थे, उन्होंने इस जो ये बाकी का किला बनवाया था, जो किले का आज का रूप हम देखते हैं ना, ये गोपाल सिंह जी ने बनवाया था। जिस पत्थर के बारे में मैंने पहले आपसे जिक्र किया था ना कि उससे खून टपकता है, वो पत्थर हम देख रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जब तक वो पत्थर दिखता नहीं हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। दो दिन लोग आ गए यहाँ से हमारे साथ। चलो अच्छी बात है। मतलब किसने निकाला, कैसा? अरे तो अभी नहीं हो, मतलब यहाँ पे अभी नहीं है यहाँ पे वो पत्थर, कुछ फायदा तो है नहीं अभी। वो सच में खून निकलता था क्या उससे? हो गया दिवाली को। अभी 3 लड़के मिले हमें यहाँ पर, उनसे हमने जब पत्थर के बारे में पूछा ना, तो उनका कहना है कि वो पत्थर यहाँ से निकाल ले गए कोई तो भी। और उनसे मैंने ये भी कंफर्म किया कि सच में उससे खून निकलता था क्या, तो उन्होंने हाँ बोला। हाँ, उनका कहना था कि हर दिवाली को उस पत्थर से खून निकलता था। ऊपर जाने का रास्ता किधर है यार? अरे भैया यहाँ पे पत्थर था ना वो पहले, वो कुछ खून निकलता था उससे। वो है क्या अभी? हाँ वो निकल लिया ना अभी? अभी नहीं है ना? कहाँ पे वो? वो कोर्ट है सामने। ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता ये एक ही है जहाँ से भाई साहब जा रहे हैं। ऊपर आके देख लो। हाँ चले यहाँ से भी ऊपर। तुम जाओ। मैं देखता हूँ कैसे कैसे दिखता है तुम वहाँ पे जाके। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हम बड़ी ही हिम्मत करके ऊपर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अभी हम किले का दूसरा हिस्सा एक्सप्लोर करते हैं। अभी दूसरे लड़के हमें मिले तो उन्होंने कहा कि पत्थर है करके, तो ऐसे 2 पत्थर थे, एक निकाल दिया और दूसरा एक पत्थर है। ऊपर जाने का तो खतरनाक था ही रास्ता, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक रास्ता था नीचे आने का, तो इसीलिए हम नहीं गए। और इस किले को जो भी देखता था ना उस समय में, इस किले पर हमला करता था इसे जीतने के लिए। ऐसा ही किया था 17वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी ने, उसने अपने सैनिक लेकर इस किले पर हमला बोल दिया था, और तब वो इस किले को जीतने में कामयाब हो भी गया था। कैमरा में जितना दिखाई दे रहा ना आपको लाइट, ये मतलब उतना लाइट यहाँ पर नहीं है, बहुत ही अंधेरा है, मतलब आँखों से इतनी रोशनी हम नहीं देख सकते। अभी मैंने अक्षय के साथ थोड़ा प्रैंक किया छोटा सा, उसने एक्टिंग की शायद है ना कि नहीं, सच में डर गया था। यहाँ की मेन दिक्कत यह है कि हम किले के बहुत से पोर्शन में जा ही नहीं पाते, मतलब चढ़ के या थोड़ा रिस्क लेकर जाना पड़ता है ऊपर। और ये तोप देखिए आप, ऐसी पड़ी है यहाँ पर। और इस किले की मैं कहानी आपको बता रहा था कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो ग्वालियर है वहाँ पर भी किला है, आपको सभी को पता है। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने वहाँ की रानियों को न्योता दिया, खाने पे बुलाया होगा शायद। तो जब वो रानियाँ यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ की खेती देखी, जो उस समय यहाँ पर सरसों की खेती हुआ करती थी, जिसे वो पीला सोना कहते थे। उन रानियों ने पूछा कि ये सब क्या है, मतलब ये पीला पीला क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ की रानियों ने उन्हें कहा कि ये हमारा पीला सोना है। तो उन्होंने थोड़ा गलत मतलब निकाल लिया, और जब वो अपने किले पर वापस गई ग्वालियर फोर्ट में, तो उन्होंने अपने राजा को बताया कि ये जो किला है सबलगढ़ का, यहाँ पर बहुत सारा सोना है, तो आप उस किले पर आक्रमण करिए।
तो ग्वालियर फोर्ट के जो राजा थे उन्होंने अपने सैनिक लिए और यहाँ पर आक्रमण किया और इस किले के जो राजा थे उन्हें हरा दिया युद्ध में। और उस राजा के जो पुत्र थे उन्हें यहाँ की एक दीवार के पत्थर पर सिर पटक कर उसे मार दिया। तो उसी पत्थर से ऐसा कहा जाता है कि हर दिवाली में वहाँ से खून निकलता है, क्योंकि जिस दिन उसे मारा गया था वो दिवाली का दिन था। तो उसी पत्थर को हम खोज रहे हैं। ये देखिए, इस किले में घूमते वक्त ना ऐसे कई पत्थर मिल जाएंगे आपको, जो मतलब इसी महल के, इसी किले के पार्ट रहे होंगे, लेकिन आज चारों तरफ बिखरे हैं। यहाँ पर ये एक दूसरा महल, जो भी जो हमने पहले देखा ना वैसा ही ये बहुत बड़ा है। उसी का हिस्सा है और बहुत बड़ा है ये। ये किला इतना खूबसूरत है कि मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि इतने राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया था। बहुत सुंदर किला है ये। और सिकंदर लोधी ने जब इस पर आक्रमण करके इसको जीता था ना, तो उसके बाद मराठा राजा थे, अब उनका नाम मुझे नहीं दिखा, मैंने सर्च करने की कोशिश की, तो मराठाओं ने ये किला फिर से उससे जीत लिया सिकंदर लोधी से। और बाद में फिर से उन्होंने गोपाल सिंह जी को ये किला सौंप दिया वापस। इधर क्या है? ये शायद टॉयलेट हो सकता है उस समय का। हाँ, टॉयलेट, वॉशरूम। हाँ, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, और अभी देखते हैं ऊपर क्या देखने को मिलता है। अभी ये भाई मिले हमें, ये अभी किले के पास में ही रहते हैं। अभी ये भी हमें बता रहे थे कि वो जो पत्थर है ना उससे खून निकलता है, और वो भी सिर्फ दिवाली के दिन ही निकलता है ना भाई, सिर्फ दिवाली के दिन, बाकी साल के बाकी दिनों में कभी भी नहीं। और तुमने देखा सच में अपने आंखों से? और वो भी पत्थर कहाँ पे वो निकाले गए? किसने निकाला वो? साइंटिस्ट शायद, कोई रिसर्च करने के लिए ले गए होंगे। और यहाँ पर जीना था जो अभी पूरा टूट चुका है, नहीं तो ऊपर जाने के लिए ये रास्ता था। वो बता रहे थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि जो पत्थर है ना उससे सच में खून, मतलब लाल कलर का जो लिक्विड है वो निकलता था, और उसने वो खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि वो किले के मतलब पास में ही रहता है। तो ना चाहते हुए भी हमें उस बात पर यकीन करना ही पड़ रहा है। ना चाहते हुए मतलब ऐसा लगता है कि ये सब बातें ऐसी अंधविश्वास की बातें रही होगी ये सब, लेकिन जब दो चार लोग जब बोलते हैं कि बात को, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तथ्य उस बात से मतलब जुड़ा ज़रूर हो सकता है। शायद कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ दीपावली के दिन ही उससे खून या फिर वो लाल लिक्विड निकलना थोड़ा मतलब अजीब बात है। और जैसा मैंने आपको अंदर दिखाया था महल में, टॉयलेट बना हुआ है, टॉयलेट और वॉशरूम, तो उसका आउटलेट देखिए आप। ये देखिए ऊपर, ये पूरे आउटलेट्स हैं वेस्टेज के। तो एक प्रॉपर एक जो सीवेज सिस्टम होता है, ये सिस्टम हमें इस महल में देखने को मिलता है। और नीचे पूरी नालियाँ थी, तो पूरा तहस नहस हो चुका था। तो बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये पूरे टाइल्स और पत्थर यहाँ पर लगा दिए। तो ये उस समय का हम एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम हम देख सकते हैं कि कैसे उस समय में इंडिया में 17वीं सदी में, जो आज किसी मॉडर्न समय में हम देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहाँ पर था। तो दोस्तों, इस तरह से अभी ये व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी बढ़िया महल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर इसके तरफ ध्यान दे और ज़्यादा, तो काफ़ी मतलब लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जैसा आपने देखा यहाँ पर लोग काफ़ी कम थे। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए, और जगह घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमें और इंस्पिरेशन मिले, और हम आगे भी आपको ऐसी जगहों के बारे में बताते रहे, दिखाते रहे। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।